హాయ్ మనం, హలో ఆరా, హాయ్ గుడ్ కి దుబాయ్ ఎక్స్పో 2020 వన్ ఇయర్ డిలే హోనే వాలా హై. सो गाइज, आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी बाहर हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि 100% लॉकडाउन है, बट लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मास्क लगाकर बाहर जा रहे हैं. गाइज, बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन UAE, एंड आई वांट टू टेल यू, दुबई एक्सपो 2020 इज पोस्टपोन्ड. एक्चुअली मैं ऑफिस से आ रहा था और घर पर थोड़ी ग्रोसरीज जो है वो चाहिए थी अर्जेंटली, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सुपरमार्केट में रुका हूँ. तो जैसे मैंने बताया अभी कि दुबई 2020 पोस्टपोन हो चुका है, जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट कोरोना वायरस का UAE में हुआ है. तो अभी गाइस मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ी शॉपिंग जो करनी है वो कंप्लीट करता हूँ. और गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो में मैं आपको दुबई की और भी क्या अभी करंट सिचुएशन है वो बताने वाला हूँ, जैसे कि फ़्लाइट्स के बारे में, वीज़ाज के बारे में, लोकल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ. और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए है कि मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर बाहर दुबई में, क्या माहौल है. तो इससे आपको प्रॉपर एक आइडिया मिलेगा कि क्या सिचुएशन दुबई में अभी इस टाइम पे चल रही है. तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बाहर का भी सीन दिखा रहा हूँ और आपको मैं घर जाके भी थोड़ा अपडेट करूँगा. तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और मैं आपको अपना चेहरा ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बाहर जाकर मास्क लगाना है. भाई साहब 6:45 हो गए और 7 o'clock ये शॉप बंद हो जाएगी, सुपर मार्केट बंद हो जाएगी. रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, बाहर नहीं निकल सकते. ये लिखा है पर कस्टमर 2.5 kg ओनली, मतलब 2.5 kg से ज़्यादा एक बंदा प्याज नहीं लेके जा सकता, और पहले चाहे आप 1 क्विंटल ले जाओ. ये हाल है देखो कोरोना की वजह से, बहुत लंबी लाइन है. देखो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर पे मार्किंग भी की गई है, आपको दिख रही होगी येलो कलर की. देखो आने जाने वाले का बुखार भी चेक कर रहे हैं. हेलो आरा, हाय गुड, कीप डिस्टेंस. तो गाइस अब ये मास्क मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं घर पे आ गया हूँ. एंड पहले तो जैसे कि घर आने पर बच्चों को हग करते थे, पर अब सबसे पहले हाथ धोने हैं. सो गाइस जैसे आपने वीडियो में अभी देखा, मैंने आपको दुबई का अभी बाहर का क्या हाल है, जैसे कि मैं शॉपिंग कर रहा था. और दूसरा गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UAE में अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, यानी कि शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता है. आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है. वरना अगर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में आप बाहर जाएंगे तो आपको फाइन लगेगा. तो ये जो नाइट कर्फ्यू दुबई में लगा हुआ है, इसका कारण ये है कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुबई में डिसैनिटाइजेशन, यानी कि दुबई की सड़कों को, पूरे दुबई सिटी को साफ किया जा रहा है. और मैं आपको आज का कोरोना अपडेट भी देता हूँ. UAE में टोटल 664 केस हो चुके हैं. हाँ जी, 664 केसेस ऑफ कोरोना इन UAE नाउ, जिसमें कि 53 केसेस आज नए आए हैं और उसमें एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है, और टोटल 5 डेथ्स हो चुकी हैं एंड मोर देन 30 रिकवरीज भी रिकॉर्ड की गई हैं. और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़्लाइट्स अभी भी बंद हैं, वीज़ास बंद हैं, पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन लोगों को दी है. जैसे कि अगर आपका रेजिडेंट परमिट एक्सपायर होने वाला है तो 3 मंथ्स तक आप उसको डिले कर सकते हैं और आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं. और अगर आप विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं तो आपको कोई पेनल्टीज़ नहीं है. जैसे कि 5 अप्रैल को आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, या आज 31 मार्च है, आज आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. आप कंटिन्यूसली UAE में रह सकते हैं, दुबई में रह सकते हैं, जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती और जब तक कि वीज़ा वगैरह ओपन नहीं होते. तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कि विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं और इस बात से डर रहे हैं कि उनका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो क्या होगा, उनको फाइन लगेगा. और जो गाइस UAE में हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी एक बात बताना चाहता हूँ. अगर आप दिन के टाइम, मतलब कि जो नॉर्मल टाइमिंग है, उसमें आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है. स्पेशली अगर आपको काफ़ी स्नीज हो रहा है तो आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको 1000 dirham तक फाइन हो सकता है. और इसके साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है, यानी कि दूसरे आदमी से 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस आपको फॉलो करना है, वरना आपको 500 dirham तक फाइन भी हो सकता है.
ओके गाइस, मैं वीडियो यहां पर खत्म करता हूं, और आप ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कि विजिट वीजा पर आए हुए हैं और या फिर जिनको दुबई की सिचुएशन के बारे में जानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दुबई की अपडेट्स मिलते रहें। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, बी सेफ, फॉलो द गाइडलाइंस, और जहां तक हो सके स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच। वैसे शॉपिंग मॉल भी क्लोज होने वाले हैं 15 दिन के लिए, बट लूलू ग्रोसरीज और फार्मेसीज वगैरह ओपन। जनता को क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है, ठीक है। जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप बाहर से घर वापस आएँ, सबसे पहले अपने हाथों को धोएं।